वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा कमाल धमाल है एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस बीटीएस बंडल रिटर्न के बारे में। जी हाँ गाइस, हमारे गेम के अंदर बीटीएस बंडल रिटर्न आने वाला है। कौन सी डेट को आएगा, कौन से इवेंट में आएगा, सब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और तो और गाइस, हमारे गेम के अंदर चार्ज इवेंट के कुछ पेड रिवॉर्ड्स भी आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड है। तो चलो गाइस, बिना किसी देर के मैं आप लोगों को एक एक करके सारे रिवॉर्ड्स का रिव्यू करा देता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी हाँ, तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है भाई हमारे चार्ल्स रॉयल का पोस्टर। जी हाँ गाइस, हमारा चार्ल्स इवेंट जो आने वाला है पेड, वो रॉयल इवेंट में आने वाला है। तो ये रॉयल में सिंपली से हम लोग को यहाँ पे एक गुलवल की स्किन है एंड यहाँ पे एक इमोट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी डेंजरस है इमोट है। जी हाँ गाइस, ये लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग देख ही पा रहे होंगे, एक खूंखार सा हाथ बना हुआ है, उसके ऊपर ये मतलब बंदा बैठा हुआ है एंड ये परमानेंट इमोट है। पैर से परमानेंट ही होने वाला है, बैठोगे तो परमानेंट बैठा ही रहेगा। एंड फिर तो गाइस, हम लोग को यहाँ पे गुलवल की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि काफी तगड़ी, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे चाउस अंदर से आता है एंड ऐसे गुलवल को फाड़ के अपना सिर दिखाता है। काफी तगड़ी गुलवल लगी मेरे को। एंड फिर तो गाइस, हम लोग को यहाँ पे चाउस इवेंट का बैट देखने को मिल जाता है। जी हाँ गाइस, ये बैट की स्किन है एंड ये काफी तगड़ी है। एंड फिर तो हम लोग को यहाँ पे लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिल जाती है, जिसमें भाई कि अगर मैंने तो भाई चाउस देखा नहीं है कैसा होता है, तो भाई जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। एंड गाइस, यही थे चाउस इवेंट के कुछ रिवॉर्ड्स, जिनका रिव्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है। एंड आई होप करता हूँ आप सभी को चाउस इवेंट पसंद आया होगा। एंड गाइस, अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे ओबी 43 का जो अपडेट आया है, उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे हुए हैं जो कि अभी आप लोगों को पता नहीं है, तो मैं उनका रिव्यू करा देता हूँ। चलो, तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला अपडेट हमारा ये चेंज हुआ है कि इसमें जब भी हमारे टीममेट को कोई नॉक करता है तो ऊपर एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा टीममेट कितनी देर में मरने वाला है। ये भाई काफी अच्छा मेरे को अपडेट लगा। एंड फिर तो गाइस, अभी आप लोग गिल्ड अपडेट देख पा रहे होंगे, जहां से हम लोग को कुछ रिवॉर्ड देखने को मिलते थे गिल्ड में, मतलब टीम वर्क कंप्लीट करने पर हम लोगों को ऐसे रिवॉर्ड देखने को मिलता था, बट अभी क्या हुआ, वहां से वो रिमूव हो चुका है एंड वहां पे कुछ दूसरी चीज आ चुकी है। एंड फिर तो गाइस, यहां पे आप लोग ये एक लैंड देख पा रहे होंगे, जिसमें कि क्या होता था कि भाई हम लोग अगर लैंडमाइन लगाते हैं तो हम लोग को तो रेड दिखेगा, बट जो हमारे टीममेट को लैंडमाइन है, मतलब जो हमारा एनिमी या टीममेट होने वाला है, उसको ब्लू कलर में दिखने वाला है। तो ये मेरे को काफी अच्छा अपडेट लगा। एंड फिर तो गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भाई ग्रेनेड का है कि जब भी हम लोग ग्रेनेड फेंकते थे तो पहले मोटा मोटा सा आता था, बट अभी नॉर्मल सी लकीर बन के आती है। एंड फिर तो गाइस, हम लोग को यहाँ पे एयर ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम लोग जैसे ही एयर ड्रॉप का फेंकेंगे तो फिर हम लोग को ऊपर से मतलब मॉन्स्टर ट्रक का एयर ड्रॉप देखने को मिला है। जब भी हम ये फेंकते हैं तो हम लोग को मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिलने वाली है, तो ये काफी अच्छा अपडेट लगा। एंड यही थे कुछ छोटे मोटे अपडेट जो कि आप लोग को ओबी अपडेट के बारे में, मतलब इतना नहीं पता होगा भाई, पता होगा 40% बंदों को पता होगा, बट ये छोटे मोटे अपडेट हैं तो इनको कोई ध्यान नहीं देता, तो मैंने आप लोग को बता दिया, इनका रिव्यू करा दिया अच्छे से। एंड ये सभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। चलो, सभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग वैलेंटाइन इवेंट के रिवॉर्ड्स के बारे में, कि कौन से रिवॉर्ड फ्री मिलने वाले हैं एंड कौन से रिवॉर्ड पेड इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जितने भी आप लोग को रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, यही है वैलेंटाइन के अंदर हमारे आने वाले अपकमिंग रिवॉर्ड्स, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मेल का बंडल देखने को मिल जाता है। एंड भाई, ये मेल का बंडल काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वैलेंटाइन के ऊपर है तो हार्ट्स वगैरह का सिंबल बना हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में। एंड बात करें फ्री इवेंट में देखने को मिलने वाला है कि पेड इवेंट में, तो भाई ये हम लोग को पेड इवेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड फिर तो हम लोग को यहाँ पे एक फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है, मतलब मेल के बंडल के अकॉर्डिंग फीमेल का बंडल काफी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि पीछे तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक एनिमेशन आ रहा है हार्ट का, वो देखने में मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सा लगा कि जब भी हम लोग रन करेंगे, मतलब हम लोग लॉबी में जब भी रन करेंगे तो काफी देखने में अच्छा लगने वाला है। एंड फिर तो हम लोग यहाँ पे एक इमोट देखने को मिलने वाला है, तो गाइस ये इमोट भी काफी अच्छा, मतलब ये डुओ इमोट होने वाला है। एंड बात करें ये पेड इवेंट में देखने को मिलने वाला है कि फ्री इवेंट में, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये फीमेल का बंडल जो दिखाया है मैंने आप लोग को, वो फ्री में देखने को मिलने वाला है, मतलब 90% चांसेस हैं कि ये फ्री में आ सकता है। एंड बाकी इमोट तो पेड़ में ही देखने को मिलने वाला है। एंड फिर तो गाइस, अभी आप लोग लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, तो भाई ये लूट बॉक्स की स्किन भी 90% चांस है कि फ्री इवेंट में आ सकता है। एंड फिर यहाँ पे रॉयल का टोकन है, जो कि हम लोग सिंपली से मतलब रॉयल में स्पिन कर करके कोई चीज निकाल सकते हैं, वो तो आगे पता चल जाएगी कि हमारे वैलेंटाइन पे और क्या क्या चीज आने वाली है। तो इसको अगर आप लोगों को पता करना है कि क्या आने वाली है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं पर डे ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूँ, कमाल कमाल की अपडेट्स। तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का एक आपको यही फायदा होगा कि भाई जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी, तो भाई बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। एंड जैसे अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में।
जी हाँ, तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं BTS बंडल के बारे में। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा डाटा माइनिंग करने की कोशिश की तो मेरे को पता चला कि भाई हमारे गेम के अंदर जल्दी BTS बंडल आने वाला है। मतलब वो भी 40 अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर BTS बंडल को ऐड कर दिया गया है। एंड बात करिए कौन से इवेंट में आने वाला, कैसे आने वाला है, तो भाई सेम पिछली बार की तरह ही मिलने वाला है। मतलब पिछली बार क्या होता, हम लोग को फ्री में मिला था, बट इस बार तो हम लोग को भाई पेड इवेंट में देखने को मिलने वाला है। मतलब फ्री पेड दोनों आया था पिछली बार, बट इस इवेंट में हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही हम लोग 2000 डायमंड को स्पेंड करेंगे 2K डायमंड्स को, तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे BTS क्रिस्टल मिलेगा, जिससे कि हम लोग एक स्पिन कर करके कोई सा भी बंडल फंस सकता है। वो हम नहीं कि हम निकालेंगे, मतलब लक के ऊपर है आपका कैसा फंसने वाला है आपके मतलब प्रोफाइल आईडी में। तो भाई वो आपके ऊपर नहीं होने वाला, वो गरीना के ऊपर होने वाला है कि कौन सा बंडल आपकी आईडी में निकलता है। तो भाई यही थे आज के कुछ अपडेट, आई होप करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे। एंड पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड साइड में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ।